यूं ही उलझा नहीं है पांव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता है। दोस्तों अभी आप मेरे मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब को सुन रहे थे। आइए आपने नदीम फर्रुख साहब के की निजामत के जलवे देखे हैं। अब मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं कि ये जितने जहीन नाजिम हैं उतने ही खूबसूरत शायर भी हैं। मैं चाहूंगा कि उनसे भी हम कुछ सुने। मैं उन्हें शायर जमाली के इन चार मिसरों से आवाज देना चाहता हूं कि न कोई तीर न तलवार साथ ले जाना, न कोई तीर न तलवार साथ ले जाना, महाजे जंग पे किरदार साथ ले जाना। तुम्हारी नस्ल को हाजत है एक मसीहा की, मेरे कबीले का बीमार साथ ले जाना। मैं नदीम फर्रुख साहब से। साथियों, बुजुर्गों और साथियों, बहुत अच्छा मुशायरा अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। हम जनाबे मंजर भोपाली साहब तक पहुंच गए हैं। चंद शेर मेरे भी सुन लीजिए, मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं। हालांकि रिज्क हलाल तो हो चुका है, मनोज सिंह साहब कहाँ हैं? जहां तक मैं उनके चेहरे का जो सुकून है उसको देख के अंदाजा लगा रहा हूँ कि रिज्क हलाल तो हो चुका है। वैसे चूंकि बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर मैं भी आपकी अदालत में हाजिर करूँ। पढ़ लूँ साहब, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पेश करता हूँ कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे, वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। चार मिसरे और पेश करता हूं, समाप्त करें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है वो, आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। कुछ इस तरह से, बहुत शुक्रिया मोहतरम बशर उस्मान साहब, मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बशर उस्मानी साहब उस्ताद शोरा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है वो, आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। और मनोज भाई, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके मगर ये दिल है, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रहे के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रहे के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा 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 इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने मुझे भी दुआओं से नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब हम मुशायरे के मक्ते पर पहुंच गए हैं। चार मिसरे पेश करता हूं कि यहां से आप अंदाजा लगाएंगे कि नपे तुले हुए लम्हे गिनी चुनी सांसें, नपे तुले हुए लम्हे गिनी चुनी सांसें, हम अपने जीस्त का एक पल घटा बढ़ा न सके। लहत तक इसलिए आया हूं चढ़ के कांधों पर कि नक्शे पा न मिले, कोई मुझको पा न सके। आज की शायरी का मंजरनामा अगर देखें
तो हमें इस तरह के अशआर भी नजर आते हैं कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरत गिरामी।